हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस से रिलेटेड कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत ही कुछ नया सीखने को मिल जाएगा अपने रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नोट 8 प्रो डिवाइस से रिलेटेड, वो शायद ही आपको किसी ने बताई होंगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ओ माई गॉड, यहाँ पे हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस में। ओहो, दिस लुक्स कूल। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं और बात करते हैं कि भाई Redmi Note 8 Pro डिवाइस में आप एक ही टाइम पे Wi-Fi और हॉटस्पॉट को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं Wi-Fi ऑन है और उसी टाइम पे हॉटस्पॉट को भी आप इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और उसी टाइम पे अगर आप चाहते हैं तो उस नेटवर्क को अपने Wi-Fi के थ्रू, अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये ऑप्शन काफ़ी सारे डिवाइसेज में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन Note 8 Pro डिवाइस में आपको ये फीचर मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। अब जैसे कि Xiaomi ने यार प्रमोट किया था कि इसमें आपको Amazon Alexa बिल्ट इन दिया गया है, तो ये कोई बहुत ही अमेजिंग सा फीचर ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अमेजिंग काम कर दिया है। Amazon Alexa असिस्टेंट को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट ऐप अपने डिवाइस का। तो सिंपली जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे Amazon Alexa ऐप पे जाना है और वहाँ पे आपको अपनी Amazon ID से लॉगिन करना है। उसके बाद आप वो सारे काम कर पाएंगे, ऑलमोस्ट सारे काम कर पाएंगे जो आप गूगल असिस्टेंट से कर पाते हैं। यानी कि आप अपने घर के IoT डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, म्यूजिक, जोक्स, ये सब चीज़ें प्ले कर सकते हैं। आप कमांड्स दे सकते हैं कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, और बाकी वेदर इन्फॉर्मेशन वो सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। और एक बार सेटअप करने के बाद ये आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करके कमांड दे सकते हैं अलेक्सा को और अलेक्सा सुनेगी। अगर आप चाहें तो इसे एज अ गूगल की तरह भी कन्फिगर कर सकते हैं, जैसे कि ओके गूगल कहने पे आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, वैसे ही अलेक्सा बोलने पे ये असिस्टेंट भी ऑन हो सकता है। अब यहाँ पे आप इसमें रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देख सकते हैं, यानी कि रियल टाइम डाउनलोड अपलोड स्पीड देख सकते हैं इंटरनेट की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेटस बार में आपको रियल टाइम नेटवर्क डाउनलोड अपलोड स्पीड देखने को मिल रही है। तो इसे इनेबल करने के लिए सिंपली जाना है आपको सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है डिस्प्ले में, उसके बाद जाना है आपको नॉच एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कनेक्शन स्पीड आप इनेबल कर सकते हैं और यहीं से आप चूज कर सकते हैं बैटरी इंडिकेटर आपको ग्राफिकल चाहिए या फिर परसेंटेज में चाहिए। और हाँ, यहीं से आप नॉच को भी हाइड कर सकते हैं। अगर आपको नॉच पसंद नहीं है और नॉच को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि नॉच को हाइड कर सकते हैं। और यहीं पे सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डार्क मोड का, सिस्टम वाइड डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको। तो सिंपली आप इसे यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। रात के टाइम पे अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करने में काफ़ी सुकून मिलेगा, मतलब आपकी आंखों में कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं डार्क मोड एक्टिवेट हो जाता है और सपोर्टेड ऐप्स में ऑटोमेटिकली डार्क मोड पर स्विच हो जाएगा, जैसे कि गैलरी ऐप में सपोर्ट करता है, सिस्टम के बहुत सारे ऐप्स में सपोर्ट करता है। तो जो ऐप डार्क मोड को सपोर्ट करते हैं नेटिवली, वो डार्क मोड में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे जब आप डार्क मोड को इनेबल करेंगे अपने डिवाइस में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको इसे शेड्यूल करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि रात के टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और सुबह ऑफ हो जाए, बट ये फीचर आपको मोस्ट प्रॉब्ली MIUI 11 में मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी आप किसी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ कुछ शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपने सैमसंग के डिवाइसेस में देखा होगा, OneUI में देखा होगा कि आपको सेटिंग्स के अंदर उससे रिलेटेड सेटिंग्स के शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली वहाँ जंप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डुअल क्लॉक का। तो सिंपली आप इसे इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद चूज़ कर सकते हैं कि जो दूसरी क्लॉक होगी वो किस जगह की होगी, यानी कि आप किसी और कंट्री की क्लॉक को भी देख सकते हैं साइड बाय साइड अपनी स्क्रीन पे। देख सकते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे एक साइड हमारा टाइम चल रहा है और एक साइड न्यूयॉर्क का टाइम चल रहा है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी यूजफुल लगा। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फीचर्स अच्छे लग रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपका बेस्ट फीचर कौन सा है इन सब में से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं इसके सेटिंग्स में और होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर एक काफ़ी कमाल का प्राइवेसी रिलेटेड फीचर मिल जाता है आपको। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लर ऐप प्रीव्यूज़ का। तो सिंपली आप यहां से जाके चूज कर सकते हैं कि किन ऐप्स को रीसेंट मेन्यू के अंदर आपको ब्लर दिखाना है। जैसे कि देख सकते हैं क्रोम, क्लॉक, कैमरा, अलेक्सा यहां पे सिलेक्टेड हैं। और भी ऐप्स को आप यहां से चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं गैलरी चूज कर लेता हूं, देख सकते हैं। उसके बाद गैलरी ओपन कर लिया मैंने, क्रोम ओपन कर लिया,
तो अब मैं जब मैं रिसेंट मेन्यू में जाऊंगा तो देख सकते हैं क्रोम, गैलरी और वो सारे ऐप जिनको मैंने सेलेक्ट किया था कि वो ब्लर रहें, तो वो यहाँ पे ब्लर्ड आउट हो जाएंगे। तो ये प्राइवेसी रिलेटेड काफ़ी कमाल का फीचर है, मुझे काफ़ी सही लगा इस पे। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि Xiaomi के डिवाइसेस में गेम स्पीड बूस्टर फीचर आता है, तो इस डिवाइस में भी आपको गेम स्पीड बूस्टर मिल जाता है। वैसे तो ये डिवाइस गेमिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पे MediaTek का Helio G90T चिपसेट दिया गया है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल, काफ़ी कमाल का चिपसेट है। अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर हम इसे कंबाइन कर देंगे Xiaomi के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे जब आप इस फीचर को इनेबल करके रखते हैं तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी कमाल का हो जाता है। आपको बहुत ही कम इंटरप्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि कॉल्स आएंगी तो अगर आप उसे पिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस लाउडस्पीकर मोड पे स्विच हो जाएगा। अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप वहां पे उसे सेट कर सकते हैं, ताकि आप उसे क्विक रिप्लाई ऐप के अंदर से, गेम के अंदर से ही दे पाएं। साथ में आपको इन गेम शॉर्टकट का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि गेमिंग के दौरान अगर आप टॉप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ शॉर्टकट भी देखने को मिल जाएंगे, और वहीं पर आप FPS भी देख सकते हैं आपके गेम का, यानी कि आपको गेमिंग के दौरान पता चल जाएगा कि कितने FPS आपको मिल रहे हैं आपके गेम से। साथ ही आप वहां से कुछ ऐप्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल गेम बूस्टर काफी कमाल का फीचर है, आप इसे जरूर यूज करें अगर आप गेमिंग करते हैं तो। अब इस डिवाइस में आप PUBG जैसे गेम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी डिफॉल्ट फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होगा वीडियो का, वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगा, और साथ में साउंड सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हैं कि म्यूट रखना है आपको साउंड, माइक रहेगा सोर्स, या फिर सिस्टम साउंड रहेगा। सिस्टम साउंड कर देंगे तो आपका साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जो इनबिल्ट सिस्टम साउंड होगा वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी, क्योंकि फ्रेम रेट यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 FPS तक ही रख सकते हैं, 60 FPS का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। अब अगर चलते हैं इसके कैलकुलेटर में, तो आपने देखा ही होगा कि Xiaomi का जो कैलकुलेटर ऐप होता है वो काफ़ी फीचर रिच होता है। यहाँ पे आप ये नॉर्मल कैलकुलेटर तो यूज़ ही कर सकते हैं, साथ में आपको लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली लाइफ में आपको मास कैलकुलेशन, BMI, एज, डिस्काउंट, परसेंटेज, डेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, ये सब चीज़ें देख ही सकते हैं। साथ में फाइनेंस से रिलेटेड भी काफ़ी कमाल के ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। GST का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप GST यहाँ पे विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट का। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है इस डिवाइस में, तो जी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलता नहीं है। ये शायद Xiaomi की तरफ से कोई बग है सॉफ्टवेयर का, क्योंकि यहाँ पे आपको MIUI 11 वाले कुछ फीचर्स ऐड करके दिए गए हैं, जो कि शायद आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेंगे। एक्चुअली ऑलवेज ऑन मोड तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये LCD पैनल है। यहाँ पे अगर AMOLED पैनल होता तो बिल्कुल आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता, लेकिन ये LCD पैनल, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे ये फीचर कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपने Redmi K20, K20 Pro डिवाइसेस यूज़ करे होंगे जिसमें कि आपको AMOLED स्क्रीन मिलती है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह से चलता था ये फीचर। तो ये फीचर हमें मिल जाता है इसकी सेटिंग्स में। एक्चुअली आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो इसे मैंने ऑन करने की ट्राई करी, इसे शेड्यूल करने की ट्राई करी, लेकिन एक्चुअली हमारे डिवाइस में ये मतलब स्क्रीन ऑफ होने के बाद दिखता नहीं है, और ना ही देखे तो बेटर है, क्योंकि LCD पैनल है। तो यहाँ पे अगर ये दिखता है तो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बट फिर भी ये फीचर है। अगर आप थोड़ा सा भोकाल मानना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो हाँ भाई, दिखाने के काम आ जाएगा ये। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक्टिविटी लॉन्चर नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी एप्लीकेशन है, उसके बाद इसमें ऑल एक्टिविटीज़ में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ऑन मोड का। सिंपली आप इस पर टैप करके ये वाले ऑप्शन को जब टॉगल करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने बनाया है, तो सिंपली इस पर प्रेस एंड होल्ड करिए, उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। अब ये शॉर्टकट अभी नहीं बनाएगा, क्योंकि इस ऐप को, यानी ऑल एक्टिविटीज़ को परमिशन नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना होगा एक्टिविटी लॉन्चर के ऐप इन्फो में, और यहाँ पर आप ऐप इन्फो में अदर परमिशन पर चले जाइए। होम स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहां से शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मेरे में तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट शॉर्टकट्स आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर आपको मतलब थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर ही आपको कुछ और भी कमाल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसके सबसे नीचे चलते हैं सिस्टम UI वाले ऑप्शन में, तो यहां पे आपको इसके कुछ पुराने ईस्टर एग्स भी देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं, ये गेम्स आपने पहले खेले होंगे शायद, ये यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, ये दूसरा वाला भी, ये मेरा फेवरेट था, मार्शमेलो में आता था आई थिंक,
ये वाला। इसका भी शॉर्टकट आप यहां से सिंपली बना सकते हैं। और यहीं पे एक फीचर और भी देखा मैंने जो कि काफ़ी कमाल का है, और MIUI 11 में मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये फीचर मिल जाएगा, बैटरी सेविंग से रिलेटेड। यहाँ पे एक्सट्रीम बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिलता है। जब आप नॉर्मल सेटिंग्स में जाएंगे तो वो फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं पे जब आप बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे, एक्टिविटी में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम बैटरी सेवर का एक एक्टिविटी मिल जाती है। सिंपली आप इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं प्रेस एंड होल्ड करके, और यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सिंपली आप इस पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। एक्चुअली ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ भाई वर्क कर रहा है, तो सिंपली इसे इनेबल कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड ऑन हो चुका है, बैटरी यहाँ पे येलो हो चुकी है, वाईफाई इंटरनेट सब कुछ बंद हो चुका है, ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली डिम हो चुकी है। एक्सट्रीम बैटरी सेवर MIUI 11 में आपको मिलेगा, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को एकदम से किल कर देता है। जिन ऐप्स के आप बाहर निकलेंगे उन ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी एकदम से किल कर देगा। आप यहाँ पे बैकग्राउंड एक्सेप्शन भी लगा सकते हैं ताकि उन ऐप्स को वो किल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4, 5, 6, 8 जितने भी एप्लीकेशन रख लें, लेकिन वो मैक्सिमम 4 एप्लीकेशन ही रन करेगा बैकग्राउंड में, तो इस तरह से आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगी। आप इसे चाहें तो यूज़ करके देख सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो नॉर्मल बैटरी सेविंग मोड है ये उससे ज़्यादा पावरफुल बैटरी सेविंग मोड दिया गया है आपको। बट इसको आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं, बाद में आप शॉर्टकट बना के यूज कर सकते हैं। और गाइस डिवाइस में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग और नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। यहाँ पे डुअल ऐप, सेकंड स्पेस, ऐप लॉक, फुल स्क्रीन जेस्चर्स, ये सारे फीचर्स तो आपको ऑलरेडी मिल ही जाते हैं इस डिवाइस में। और यहीं पे इसकी सेटिंग्स में अगर हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल वेलबींग का। तो बेसिकली इस ऐप में आप जाके देख सकते हैं कि आपने दिन भर में किन किन ऐप पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया, यानी कि किन किन ऐप्स को आपने कितने टाइम के लिए यूज़ किया, कितनी बार आपने डिवाइस को अनलॉक किया, कितने नोटिफिकेशन आपको टोटल आए उस डिवाइस में। और यहीं पे आपको स्पेशल फीचर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो गेम टर्बो का फीचर मिलता है, क्विक रिप्लाइज का एक फीचर मिल जाता है जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी ऐप के अंदर अगर आप रहते हैं, और जिन ऐप्स को आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो उन ऐप्स के अंदर अगर आप रहते हैं और आपको कोई नोटिफिकेशन आती है सपोज व्हाट्सएप से, तो उसे आप वहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन कर सकते हैं और वहीं से रिप्लाई कर सकते हैं, तो ये फीचर भी काफ़ी यूजफुल है। तो गाइस ये थी Redmi Note 8 Pro डिवाइस से रिलेटेड कुछ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ कमाल के हिडन फीचर्स। तो अगर आपको एक्चुअली ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा फीचर कौन सा है इनमें से। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी, और इस टाइप की वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ बहुत सारी, तो आप चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।